आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस की जिसकी चमक सबसे ज्यादा है, जी हाँ, डायमंड बिजनेस की। तो सबसे पहले इसके मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं, जो 2018 में था $87.3 बिलियन, यानी कि 6.5 लाख करोड़ रुपए। इसका उपयोग ज्वेलरी के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी किया जाता है, क्योंकि चमकदार होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से कांच कटिंग, लेथ मशीनों इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। डायमंड इंडस्ट्री का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरेशन, यानी कि खोज। फिर सेकंड स्टेप है माइनिंग। फिर थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग, यानी कि उसकी छटाई। फिर चौथा स्टेप है कटिंग और पॉलिशिंग। फिर पांचवा स्टेप है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट स्टेप है रिटेलिंग। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें, तो अफ्रीका में, केवल अफ्रीका में 65% जो है वो रॉ मटेरियल इसका पाया जाता है। उसके बाद माइनिंग की अगर बात करें कि माइनिंग कैसे की जाती है, तो माइनिंग यहाँ पे दो तरह से होती है। एक तो ओपन पिट, मतलब कि गड्ढा खोद के माइन किया जाता है, और एक दूसरी होती है जिसका नाम है अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि 1-1 किलोमीटर नीचे तक से इसको निकाला जाता है। इसके साथ साथ मरीन में, यानी कि समुद्र में भी माइनिंग की जाती है। अब इसकी छटाई जो होती है वो होती है कलर के आधार पे, साइज के आधार पे, शेप के आधार पे और क्वालिटी के आधार पे। इसके बाद में आती है कटिंग एंड पॉलिशिंग। कटिंग एंड पॉलिशिंग जो होती है वो 4 C's में क्लासिफाई की जाती है, यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। मतलब कि किस तरह का कट किया हुआ है डायमंड, उसका कलर क्या है, उसकी क्लैरिटी कितनी है और वो कितने कैरेट का है। उसके बाद उसको होलसेलर्स को बेच दिया जाता है। होलसेलर्स को कहाँ बेचा जाता है? एक्सचेंज में बेचा जाता है, जिसको हम कहते हैं बॉर्स। और ऐसे 30 बॉर्स पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्स जो है वो मुंबई में है, जिसका नाम है भारत डायमंड बॉर्स। और सूरत में भी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बॉर्स बनने जा रहा है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि हर 10 में से 9 डायमंड इंडिया में पॉलिश और कट। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका नाम है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब जब होलसेलर्स जो हैं वो डिज़ाइनर्स को, रिटेलर्स को ये पॉलिश किए हुए और कट किए हुए डायमंड्स बेच देते हैं, और उसके बाद जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनको ज्वेलरी के अनुरूप और पॉलिश करते हैं और कटिंग करके उसकी फाइनल उसका शेप दे देते हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है रिटेलिंग, यानी कि उसको बेच दिया जाता है आगे। इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डायमंड बिजनेस में होती है, ऑथेंटिसिटी, यानी कि उसकी प्रामाणिकता। और उसके लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम है किम्बर्ले प्रोसेस, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे कि कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और पूरा अश्योरेंस मिले कि ये डायमंड जो है वो कहाँ से है और ये बिल्कुल प्योर डायमंड। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों को रोज़गार देती है इंडस्ट्री। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायमंड अगर है बिना किसी कलर का, तो उसको सबसे प्योर माना जाता है। गोलकोंडा में ये पाया जाता था, कोहिनूर भी वहीं से निकला है, और भी काफ़ी सारे प्रसिद्ध हीरे जो हैं वो वहाँ से निकले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉलिशिंग एंड कटिंग का मार्केट जो है वो है सूरत। सूरत में एंटर होने वाला हर हीरा 6 डेसिमल पॉइंट तक वे किया जाता है, मतलब कि उसको 6 पॉइंट के बाद भी 6 अंकों तक उसको मापा जाता है। और सूरत में दुनिया की 75% कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है। पूरे प्रोसेस की तो आपने देखा कि 6 स्टेप्स होते हैं, पर सूरत में कटिंग एंड पॉलिशिंग के केवल 36 स्टेप होते हैं, और फिर 17 स्टेप होते हैं क्वालिटी चेक के मशीनों से और एक्सपर्ट ह्यूमन आइज से। डायमंड का बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस माना जाता है। और जो फाइनल स्टेप मानी जाती है इसकी बेस्ट डायमंड्स के लिए, वो है फॉरएवर मार्क इंस्क्रिप्शन। कुछ ही हीरो में फॉरएवर मार्क इंस्क्रिप्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल बेस्ट डायमंड्स जिनको हम कहते हैं उनमें होता है। और ये, इसमें क्या होता है कि आप
का जो इंसान का बाल होता है उसका 5000वां हिस्सा, इतनी मोटाई से वो वहाँ पे नंबर लिखा जाता है, एक यूनिक नंबर लिखा जाता है। जहाँ ये डायमंड कटते हैं उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड आपको पता है कौन सी क्लास का पास आउट होगा, वो 7वीं पास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आंखें तेज और पारखी हैं और हाथों में कारीगरी है और साथ में लगन है तो आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि डायमंड का बिजनेस किस तरह से होता है, उसके पूरे प्रोसेस देखे, उसके स्टेप्स देखे, कहाँ पे ये होता है, ये सारी चीज़ें देखी। हम किसी दूसरे बिजनेस के बारे में और किसी दूसरी चीज़ के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।